जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 सितंबर 2013 को जबरदस्त घोषणा की गई थी, तब से लेके अब तक 10 साल का सफ़र पूरा हो चुका है और हम बीच के सफ़र को छोड़ दें तो अब लेटेस्ट एक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 10 सेकंड को वो क्लिप दिखाना चाहता हूं कि रेवाड़ी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। मैं सबसे पहले इन वीरों को नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। कुछ लोगों को लगता है ये जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गवाया है, कोई अंग गवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। और उसके बाद ये लेटर है जिस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से 23 अक्टूबर 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर की जो कॉपी दी गई है वो दी गई है जितने भी राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, यानी डायरेक्टर्स ऑफ ऑल राज्य सैनिक बोर्ड, उनको ये कॉपी दी गई है, जिसका सब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ ओआरओपी, यानी कि वन रैंक वन पेंशन लागू होने के जो 10 साल पूरे हो गए हैं उसका उत्सव मनाना है। दूसरा, एंड डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2024, राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ जो प्रतिनिधि आएंगे एक्सर्समैन के, उनका कॉन्क्लेव है, एक सभा है, उस ये सब्जेक्ट है। ये जो फंक्शन है ये 2 दिन का है, यानी 7 नवंबर 2024 और 8 नवंबर 2024, जैसा कि आपके सामने यहाँ लिखा है 7 and 8 November 2024। और ये होगा दोस्तों मानेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंट के अंदर। इस लेटर के जो मुख्य कंटेंट्स हैं वो बताता हूँ। हर एक राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर्स और उनके साथ 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सर्समैन, यानी पूर्व सैनिकों के 2 प्रतिनिधि, वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी से भी हो सकते हैं। और ये 7 तारीख को उनको अटेंड करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। उसके बाद 8 तारीख को डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव होनी है। डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव में उसको अटेंड करेंगे सभी राज्यों के डायरेक्टर्स और उनके साथ आए 2 रिप्रेजेंटेटिव, 2 प्रतिनिधि। और ये जो होगा इनका 8 नवंबर को, और इनका जो टाइमिंग है वो है 11 बजे का। जो सभा होगी इसमें, इसका जो मेन जो पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा होनी है सभा के दौरान, वो 5 बिंदु हैं। जैसा कि आप देखें, सबसे पहला, रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर एक्सर्समैन आइडेंटिटी कार्ड बाय पीवीसी कार्ड, यानी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड पेपर का बना है अब उसको एक प्लास्टिक के आइडेंटिटी कार्ड में रिप्लेस करना है। ये है मैं मुद्दा इम्पोर्टेंट, जो इश्यू हैं जिन पे बात होनी है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ एक्सर्समैन एट स्टेट लेवल, यानी राज्यों के लेवल पर एक्सर्समैनों का एक निगम बनाना है,
इस पर चर्चा होगी। तीसरा जो पॉइंट है, प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सैनिक रेस्ट हाउस, यानी जो सैनिक रेस्ट हाउस हैं उनके कंस्ट्रक्शंस को प्रमोट करना है, उस पर चर्चा होगी। ये मुख्य मुद्दा है। अगला देखिए, डिले इन सबमिशन अब्लिक पेमेंट ऑफ सेंट्रल अब्लिक स्टेट शेयर क्लेम्स, यानी जो पूर्व सैनिकों के क्लेम्स होते हैं उनको सबमिट करने में डिले होता है या उनके पेमेंट में जो डिले होता है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से, जैसे आपका सीए क्लेम है, सीए का क्लेम है, इस तरीके के जो भी हैं उसके ऊपर। और अगला है अदर इश्यू रिलेटेड टू डीजीआर अब्लिक ईसीएचएस, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, इन दोनों के जो इशू हैं, इसमें जो कुछ मुद्दे हैं उस पर। तो ये हैं आपके पांच बिंदु जिन पर चर्चा होनी है। ये चर्चा कौन करेंगे? राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर्स और उनके साथ आए हुए दो प्रतिनिधि। ये जो प्रतिनिधि आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, ये सारे के सारे सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के एमओडी की तरफ से उनको अप्रूव्ड होंगे ये पार्टिसिपेशन, जितने भी हैं जो वहाँ पर सम्मिलित होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं चला जाऊँ या आप कोई भी चला जाए, जो वहाँ से अप्रूव्ड होंगे सेक्रेटरी द्वारा वही इसको अटेंड करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन का सेलिब्रेशन होना है, उत्सव मनाना है, तो क्या इसके अंदर जितने भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं पूर्व सैनिकों की, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए था, उनकी तरफ से आना चाहिए था? क्या जो वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के संदर्भ में वन मैन जुडिशियल कमेटी बनी थी, उसका जो रिकमेंडेशन आया था, क्या उसको सार्वजनिक करके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए था? क्या वन रैंक वन पेंशन के अंदर जितनी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों के साथ सेलिब्रेशन मनाना उचित है? क्या ऐसा संभव है कि 10 साल वन रैंक वन पेंशन को लागू हो गए और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ रैंक्स ऐसी हैं जिनको 10 साल के बावजूद भी एक भी पैसा नहीं बढ़ा? क्या इस तरह की विसंगतियों को लेके वहाँ जाना सही है? इस तरीके का सेलिब्रेशन करना उचित है? और अगर ये सब करना है तो क्या इन समस्याओं को वहाँ पर एड्रेस नहीं होना चाहिए था? उनके लिए ऑप्शन एक बिंदु तो होना ही चाहिए था कि एनोमली जितनी भी हैं उसके संदर्भ में, जैसे बहुत सारे रैंक ऐसे हैं, सूबेदार हो गए, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी सूबेदार मेजर, ऑनररी कैप्टन, सूबेदार मेजर, जिनकी 10 साल पूरे होने के बावजूद भी एक सिंगल पैसा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ऐसे लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर अधिकारियों में लेफ्टिनेंट कर्नल तक कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जहां वहां भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, क्या इनको एड्रेस नहीं करना चाहिए था? उनके लिए वहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? मुझे लगता है इन मुद्दों को भी इंक्लूड करना चाहिए था। और जितने भी रजिस्टर्ड पूर्व सैनिकों की संस्थाएं हैं उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका डेलीगेट्स भी लेना चाहिए था। ये थी जानकारी दोस्तों, जो वन रैंक वन पेंशन के 10 साल पूरे होने के बाद जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है 7 नवंबर 2024 को, जिसको प्रधानमंत्री जी अटेंड करेंगे, एड्रेस करेंगे, और 8 नवंबर को जो डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव होनी है उसके संदर्भ में। तो इस पर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स जरूर दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।